जो पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे लोग बड़े डिस्करेज हुए हैं। देखो ये मेरे को मैदा था, मैदा तो पूरा करने आ गए आपने, फिर अगले महीने जो है किस्त लेनी है सितंबर में, तो वैसे पूरे नहीं करेंगे, फिर वो बोलेंगे फिर आप किस्त दोबारा रुक जाएगी, पहले की तरह 9 महीने का डेट आ जाएगा। पाकिस्तान है ना हालात में, इस तरह को कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो भी पासदारी की वायदों की करें, और ताकि पाकिस्तान को जो पेंड आने पता चले फिर डेड लॉक हो गया और फिर पाकिस्तान उसी तरह पिछली तरफ चला गया। तभी हुकूमत जो कर रही है बरा रही है तो बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है, आवाम की चीखें निकल रही है, खासकर बिजली की और पेट्रोल जो गया आम आदमी पे फर्क पड़ता है। तो इसका या तो स्केल बना लें, जो लोग कम यूज करते हैं उनको सस्ता मिले, जो ज्यादा यूज करते हैं उनको महंगा मिले। अब तो हाथी घोड़ा सब बराबर ही है, चाहे वो लग्जरी गाड़ी रखी हुई है उसको भी वही रेट में मिल रहा है, मोटरसाइकिल वाला है उसको भी वही रेट मिल रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल है ईरान ने इसके ऊपर वर्किंग भी की है और पूरा एक मॉडल तैयार है हमारे पास, और इसको हुकूमत को बिजली की तरह इसकी भी स्केल बनाने चाहिए, जो कम तनख्वाह वाले हैं ये कम इस्तेमाल वाले हैं उनको सस्ता मिले, जो ज्यादा इस्तेमाल वालों को महंगा मिले। तो ये चीजें की जा सकती है, उसमें जो है आवाम को भी जो है इसे निजात दिलाई जा सकती है अगर हुकूमत से वर्किंग कर ले तो।